व्हाट इज़ अप गाइस, क्या हाल है गाइस। 2020 में ना एक वर्ड ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। मतलब ऐसा वर्ड जिसको सुन के हम सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसको सुन के हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उस वर्ड का नाम है वायरस, कोरोना वायरस। और 2020 का तो आधा साल इसी ने ख़त्म कर दिया है। पूरी दुनिया की वाट लगी हुई है और आज की डेट में हम किसी को बोल भी नहीं सकते कि भाई बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक लड़ाई हमारी टेक वर्ल्ड, टेक दुनिया में भी चल रही है। क्या हमें 2020 में स्टिल एंटीवायरस यूज़ करने चाहिए? क्या हम अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर, अपने फ़ोन को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं? क्या हमें अपने फ़ोन, अपने गैजेट्स को सैनिटाइज या फिर फेस मास्क लगा देना चाहिए? इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपका दोस्त, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों एक टाइम था 1-2 साल पहले, जब आप नया कंप्यूटर खरीदते थे या फिर नया कंप्यूटर असेंबल करवाते थे, तो सबसे पहले काम आप क्या करते थे कि उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल करते थे। भले आप उसमें कोई काम ना करो, कुछ भी ना करो, लेकिन एंटीवायरस तो चाहिए ही चाहिए। मतलब एक प्रथा सी बन गई थी कि अगर आप इंटरनेट ना चलाओ, आप कोई गेम वगैरह ना खेलो, लेकिन आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस तो होना ही चाहिए, वरना हम तो भाई ख़त्म है, बर्बाद है। और उस टाइम के लिए ये ठीक भी था, क्योंकि उस टाइम पे फिर चाहिए भी था एंटीवायरस, ज़रूरत भी थी, क्योंकि हम चारों तरफ से वायरस 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 से घिरे हुए थे। लेकिन आज की डेट में वायरस की डेफिनेशन चेंज हो गई है। कुछ लोग इसको कोरोना वायरस बोलते हैं, कुछ लोग इसको टिकटॉक क्रिंज बोलते हैं। खैर, वो तो चला गया। शुगर है टिकटॉक वाले वायरस को डिलीट कर दिया है। उस टाइम पेन ड्राइव से क्या, फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क से भी मॉलवेयर ऑटो जनरेट हो जाते थे, तो उसका हमें पता भी नहीं लगता था। और फिर जैसे जैसे इंटरनेट सामने आया, हम इंटरनेट यूज़ करने लगे, तो वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। ये एक ऐसी नीड थी कि मान लो आपने एक घर बनाया है, उसमें आप दरवाज़ा लगाना भूल गए। शिट, मतलब एक आपने घर बना दिया, उसमें दरवाज़ा नहीं लगाया, तो वही बात है ना, चोर आपके घर में आ जाएगा। तो सेम वैसे ही कंप्यूटर बनाया, उसमें आप एंटीवायरस तो डालते ही डालते हो, ताकि कोई वायरस आपके कंप्यूटर में एंटर ना हो सके। और अलग अलग कंपनीज भाई, जिनका नाम भी अब कोई लेता नहीं है, ये सब कंपनीज एक पर्टिकुलर वायरस को हटाने के लिए अपने सॉफ्टवेयर, अपने एंटीवायरस को डेवलप करती थी, जिनका इंटरफेस देख के ही ऐसा लग जाता था कि हाँ, आपके कंप्यूटर में कुछ ना झोल है, यही सिर्फ यही सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को बचा सकता है। आपके कंप्यूटर की तो लगी पड़ी है, वरना आपका कंप्यूटर ख़त्म। लेकिन आज की डेट में ना जो OS है, वो इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं कि आपको किसी भी एंटीवायरस, किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ही नहीं है। फिर चाहे बात हो विंडोज़ में, विंडोज़ डिफेंडर की, फिर चाहे बात हो एप्पल, एप्पल का तो चलो अलग ही लेवल उन्होंने सेट कर रखा है कि सबसे सिक्योर एप्पल ही माना जाता है। फिर है एंड्रॉयड जो लिनक्स बेस्ड है, इसमें भी काफ़ी हद तक आपको सिक्योर प्लेटफॉर्म मिल जाता है, किसी भी आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इवन ब्राउज़र्स, ब्राउज़र्स भी आजकल इतने सिक्योर हो गए हैं ना भाई, फिर चाहे बात हो गूगल क्रोम की या मोज़िला फायरफॉक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज यूसी ब्राउज़र। मतलब ये सब, ये मतलब ये सारे ब्राउज़र्स आपको पहले ही वार्निंग दे देंगे कि जिस साइट पे आप आगे जा रहे हो वो थोड़ी सी करप्टेड है, आप ये वाली फाइल डाउनलोड मत करिए, दिस फाइल कैन हार्म यू, जो भी है आपको दिख जाता है, पहले ही शो कर देता है। तो मतलब कि जो ब्राउज़र्स हैं वो भी आजकल स्मार्ट हो गए हैं। मतलब ये बात पहले थी कि जैसे ही आप एंटीवायरस डालते थे और अपने कंप्यूटर को ऑन करते थे, बूट करते थे, तो जो सॉफ्टवेयर था वो बैकग्राउंड में चलता रहता था, कि आपको पहले ही कंप्यूटर स्लो कर देता था, जिससे आपको लगता था कि हाँ यार, मेरे कंप्यूटर में कुछ ना कुछ घपला है, मेरे कंप्यूटर की लगी पड़ी है। फिर पीछे वो रैम, कैशे, मेमोरी, प्रोसेसिंग ये सारी खाता था। तो और एंड्रॉयड में ना गाइस, भूल ही जाओ कि आपको कोई वायरस देखने को मिलेगा। इवन जो आप ये डाउनलोड करते हो, मेमोरी मेमोरी क्लीनर, बैटरी सेवर, जो भी है, ये उल्टा आपके फ़ोन को स्लो कर देती है। फास्ट तो क्या ही करेगी, आपके फ़ोन को उल्टा पानी में डुबो देगी, आपके फ़ोन को बूढ़ा फील कराएगी। तो गाइस, अगर आपने अपने फ़ोन को मर्दाना रखना है, जवान रखना है, तो ये सब कांड मत करो। सिंपल अपने फ़ोन को अपडेट रखो, अपने कंप्यूटर को अपडेट रखो, आपका डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस है आपके OS में, उसको अपडेट रखो, अपने आप ये सारे काम कर देगा। और लास्ट में सबसे बड़ी बात, जो असली वायरस है वो कोरोना नहीं है, असली वायरस ये मालवेयर मलिशियस सॉफ्टवेयर नहीं है, असली वायरस है इंसानी दिमाग।
मतलब टॉक्सिक पीपल मतलबी लोगों से दूर रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, तो आपकी लाइफ अपने आप ही एंटीवायरस बन जाएगी, आपकी लाइफ में कोई भी वायरस नहीं आ पाएगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।